क्यों दही को नमक नहीं बल्कि मीठी चीज़ों के साथ खाना चाहिए? दही को नमक नहीं बल्कि मीठों की चीज़ों के साथ खाना चाहिए? ज़रा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नमक दही में मिला के नहीं खाना चाहिए। दही को हमेशा मीठी चीज़ों जैसे गुड़, मिश्री या बूरा मिलाकर खाना चाहिए। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई गाँवों में आज भी शादी समारोह जैसे कई शुभ अवसरों पर दही में बूरा मिलाकर ही दिया जाता है। हालांकि वर्तमान में यह परंपरा कम ही देखने को मिलती है, लेकिन हमारे पूर्वजों का दही खाने का यह तरीका ही सबसे अच्छा था। यही वजह है कि दही और मीठे को शगुन के रूप में कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले खाया जाता है। दही मलेरिया, सर्दी वाले बुखार, खूनी बवासीर, इन बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए लाभकारी है। दही का मिश्री के साथ सेवन भी काफ़ी लाभकारी माना गया है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनते हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण दही को मिश्री के साथ खाया करते थे। मिश्री भी काफ़ी लाभकारी खाद्य पदार्थ है। दही को गुड़ के साथ खाना भी लाभकारी होता है। गुड़ में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। गुड़ में एंटी एलर्जिक गुण पाए जाते हैं, साथ में शरीर में आयरन की कमी को भी दूर करते हैं। दही के साथ गुड़ और ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। दही विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। दही पाचन तंत्र के लिए बहुत गुणकारी है, जिसके कारण यह पेट से संबंधित कई समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। दही को नमक के साथ खाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि दही में बहुत अधिक संख्या में लाभदायक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनका सेवन पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। यह बैक्टीरिया दही में जीवित अवस्था में पाए जाते हैं और इनका जीवित अवस्था में ही सेवन करना गुणकारी होता है। दूध के सेवन के बाद साथ या कुछ समय पहले भी नमक का सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक है और नमक के सेवन के आसपास कभी भी दूध का सेवन नहीं किया जाता। आयुर्वेद के अनुसार दूध और नमक ये विरुद्ध आहार है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत प्रवृत्ति वाले हैं। ठीक उसी तरह नमक और दही भी विरुद्ध आहार है, यानी एक दूसरे के विपरीत प्रकृति वाले गुण पाए जाते हैं दोनों में। दही के साथ भी कुछ ऐसा ही है। दही में नमक डालने से लाभदायक जो बैक्टीरिया होते हैं मर जाते हैं और फिर दही खाने को कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि बैक्टीरिया के मरते ही दही के सारे गुण खत्म हो जाते हैं। दही को नमक के साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए। अब सवाल ये है कि मीठे के साथ ही दही क्यों खाना चाहिए? बिना नमक और मीठे के भी तो दही को खाया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, खाया जा सकता है, लेकिन मीठे के साथ दही को खाने का यह फ़ायदा है कि दही में मीठा मिलता ही दही में पाए जाने वाले लाभदायक बैक्टीरिया दुगने हो जाते हैं। अगर दही को मीठे जैसे गुड़, मिश्री और बूरा आदि के साथ खाने से इसका लाभ आपको दुगना मिलेगा। तो दोस्तों, आज के बाद नमक के दही में नमक मिलाकर ना खाएं, बल्कि मीठे को मिलाकर खाएं, ताकि आपको इसके जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनका पूरा फ़ायदा आपको मिल सके, आपके शरीर को मिल सके, आप स्वस्थ रह सकें।